ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज बात करते हैं शुक्र ग्रह के प्रीतम रत्न अर्थात हीरा की। जैसा कि आपको मालूम है कि वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले इस हीरे को धारण कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार हीरा रत्न शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यह अत्यंत प्रभावशाली व मूल्यवान रत्न है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर संचित रहती है। जब अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाना होता है तो वो भी दिखेगा, सकारात्मक है तो वो भी दिखेगा। मतलब कुल मिला के बहुत तीक्ष्ण रत्न है। जिन जातकों के नाम के पहले अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वु वे वो रा री रू रे रो ता ती तू ते टो पा पी पू शा ढा ठा पे पो भो जा जी खी खू खा खो गागी आदि होते हैं, वे जातक इस रत्न को धारण कर सकते हैं। अब हीरा धारण करने के लाभ क्या क्या हैं? देखिए, हीरा एक आस फलदायी रत्न है। यह नहीं है कि आपको वर्षों पहनने के बाद इसका फल मिलेगा। आप पहनेंगे 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर इसका असर आपको दिखने लगेगा। यह सभी व्यक्ति की सभी समस्याओं का हल करता है, संबंधों में मधुरता बढ़ाता है, वैवाहिक संबंधों को बनाता है और दुर्घटनाओं से बचाता है। अगर ऐसा देखा गया है कि अगर मालिक के ऊपर, धारण करने वाले के ऊपर कोई दुर्घटनाकारक कोई बात आती है तो ऐसी स्थिति में हीरा चटक जाता है और उसे बचा लेता है। यह आयुर्वर्धक रत्न माना जाता है, मधुमेह से बचाता है, महिलाओं में गर्भाशय की समस्त बीमारियों को दूर करता है और पुरुषों को वास्तव में पुरुष बनाता है। हीरे में बहुत सी विशेषताएं हैं। तो मित्रों, हीरे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हीरा शुक्र ग्रह का पसंदीदा रत्न है। यह संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। अब इसको हम कैसे धारण कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विधि विधान इस तरीके से है कि चांदी या सोने की अंगूठी में जड़वा कर शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार को प्रातः पूजन करके इसको धारण हम कर सकते हैं। अंगूठी को 24 घंटे पहले दूध सहित गंगा जल के घोल में आप डाल दीजिए। उसकी सुबह जो है निकालकर पानी से स्वच्छ करके और विधिवत पूजा करिए। उसके बाद शुक्रदेव की पूजा करें और फिर इसको धारण करें। कनिष्ठा या मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। अगर प्रेम की इच्छा से हीरा धारण किया गया है तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वह अनामिका उंगली में इसे धारण करें। यह प्रेम प्रदान करने वाला रत्न है। दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके इसे धारण करना चाहिए। अब हीरे की कुछ विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, एक हीरा पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। 763 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही हीरा जलता है। उससे कम तापमान में हीरे पे कोई असर नहीं पड़ता। यह ऊष्मा का और विद्युत ऊर्जा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता। असली हीरे की बनावट अंदर से ऊबड़ खाबड़ दिखाई पड़ती है, जबकि नकली जो फैक्ट्री में हीरा होता है वो अंदर से सामान्य और चिकना दिखाई पड़ता है। हीरे को अखबार पे रख के अगर हम अक्षर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हीरा असली है तो हमें अक्षर स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, हम उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हीरा नकली है तो हम पढ़ नहीं सकते, वो तिरछी रेखाएँ दिखाई पड़ेंगी। हीरे की और दूसरी खास बात यह है कि ये नीली आभा बिखरता है। अगर हम इसको देखेंगे तो असली हीरा है तो नीली आभा ही निकालेगा, और अगर हीरा इधर उधर का है, कुछ उसमें मिक्स है या वो नकली हीरा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है स्लेटी या कालापन लिए हुए आभा निकालता है। असली हीरे को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो तुरंत डूब जाता है और बर्तन की तलहटी में लग जाता है, जबकि नकली फैक्ट्री मेड हीरा अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो तैरता हुआ तलहटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन पूरी तरीके से वो डूब नहीं पाता पानी में। ये कुछ विशेषताएं हैं हीरे की। देखिए मित्रों, हीरा, हम अंतिम चेतावनी आपको देना चाह रहे हैं कि हीरा संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है, सबसे मूल्यवान वस्तु है। ऐसी स्थिति में आप उसको सोच समझ कर ही धारण करें, अच्छी तरीके से ज्योतिष परामर्श लेने के बाद ही धारण करें। हीरे की एक विशेषता ये है कि वो सकारात्मक प्रभाव भी जितनी जल्दी दिखाता है, नकारात्मक प्रभाव उससे जल्दी दिखा देता है। तो अगर आपको हीरा सूट नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो आपका नुकसान भी कर सकता है। तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करने के बाद ही हीरा धारण करें। मित्रों, हमारा अगला जो वीडियो है वो नीलम के चक्कर का है कि नीलम रत्न किस तरीके का होता है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे अगले वीडियो में। आप उसको ध्यान से सुने, देखें। और मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कृपया इन्हें लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।